विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही महाराष्ट्र दोनों गठबंधनों सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी की चुनौतियों को बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। महायुति की चुनौती जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो एमवीए के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखते हुए बीते दो चुनाव से जारी सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी भी या चुनौती कह लीजिए ये एमवीए की। सवाल यही है कि क्या बीजेपी की अगुवाई में महायुति महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा चमत्कार कर पाएगी। चमत्कार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में लगातार कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी और उसके बाद बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की, इसलिए इसे चमत्कार ही कहना सही होगा। और एमवीए हरियाणा की हार से सबक सीखते हुए बाजी मारने की कोशिश महाराष्ट्र में करेगी। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कई सारी चीजें सेम है, फैक्टर सेम है, समानताएं नजर आती हैं। हरियाणा में 5 सीटें छीनने वाली कांग्रेस को बीजेपी से महज 1.5% अधिक वोट मिले थे। महाराष्ट्र में महायुति को 17 सीटों पर सीमित करने वाले एमवीए को महज 0.16% वोट मिले, यानी न के बराबर। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को ओबीसी दलित वोट बैंक में सेंध लगने का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस से हिसाब किताब जरूर बराबर कर लिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए लगे जो झटके हैं उससे उबरने के लिए महायुति ने हरियाणा के फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की पहल की है। इसके साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में जातियों को साधने की भी कोशिश कर रही है। ओबीसी के साथ साथ दलितों को अपने पाले में करने के लिए अपना तमाम जो हथकंडा है वो बीजेपी अपना रही है, अपने तमाम नेताओं को झोंक रही है। महायुति की निगाहें छिटक चुके 40% आबादी वाले ओबीसी और 10% आबादी वाले दलित वोट बैंक पर जा टिकी है, जिसकी नाराजगी की कीमत उसे आम चुनाव में उठानी पड़ी थी, खासतौर से महाराष्ट्र में। चुनाव नतीजे के बाद राज्य के एकनाथ शिंदे सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए क्रीमिलेयर की जो सीमा है उसे 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई, इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा शहरी वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति के तहत 5 अहम टोल नाकों से गुजरने वाले हल्के वाहनों को टोल फ्री किया गया। ये सब चुनाव से पहले की रेवड़ियां कह सकते हैं, चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के कदम कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को ओबीसी बहुल पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ था। इन तीनों क्षेत्रों को 26 सीटों में महज 9 सीटें ही महायुति को मिली थी और महायुति को 14 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ था। एमवीए सिर्फ कोंकड़ के इलाके में बेहतर प्रदर्शन कर पाई, जबकि मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसने अपना दबदबा साबित किया। एमवीए अब ओबीसी और दलितों की नाराजगी दूर करने, समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की रणनीति पर भी जोर लगा रही है। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से 35 दिन में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने की घोषणा आमतौर पर मिलने वाले समय से कम है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता विजय वड्डेटीवार कहते हैं कि आयोग उम्मीदवार तय करने, नामांकन दाखिल करने और प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को कम से कम 40 दिन का समय देता है, लेकिन इस बार मात्र 35 दिन का समय है, जो कि असामान्य है। इससे हमें प्रचार के लिए भी कम समय मिलेगा। वहीं शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल कहते हैं कि आयोग ने लोकसभा चुनाव के 5 चरण में कराए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 1 चरण में कराने का फैसला किया है। ये अच्छा है कि एनडीए एक झटके में ही हार जाएगी। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि ईवीएम के संभावित दुरुपयोग पर कई विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों के निर्वाचन आयोग के अधिकारों ने समुचित समाधान अब तक नहीं किया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एमवीए अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला और चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। शिवसेना यूटीबी उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी चाहती है कि इसका फैसला चुनाव के बाद हो। वहीं महायुति में सीट बंटवारे पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके तहत बीजेपी 160, शिवसेना 95 और अजीत पवार की एनसीपी 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि गठबंधन का चेहरा सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। अब जिस तरीके से ओबीसी और दलित वोटर्स पर महाराष्ट्र में बीजेपी फोकस कर रही है, जिसका नुकसान उसे लोकसभा चुनाव में, जिनके नजरअंदाज करने का नुकसान उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, इस बार विधानसभा चुनाव में ये वोटर्स कितने बीजेपी के पाले में या यूं कहें कि महायुति के पाले में दिखाई पड़ेंगे ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।